सभी को एक अच्छा खुशखबरी है। अभी तक इस जिला में जितने भी कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं उसकी संख्या 58 थी, 58 में विगत दिनों कुल मिलाकर जितने भी मरीज थे उन सबका डिस्चार्ज किया गया है। तो आज भी कुछ मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, तो कुल संख्या 6 डिस्चार्ज होने के उपरांत अभी 57 यानी 57 यानी कुल 58 से 57 व्यक्तियों का पूर्णतः स्वस्थ होकर बाहर अभी निकल गए हैं। डॉक्टर के देखरेख में उनका उचित इलाज किया गया और पूर्णतः स्वस्थ होने के उपरांत उनको जांच करते हुए जांच में 2 बार नेगेटिव आने के उपरांत इनको प्रोटोकॉल के हिसाब से डिस्चार्ज किया गया है। अभी जो एक मरीज अभी भी इलाजरत है उनका भी टेस्ट सैंपल नेगेटिव ही आया है, परंतु जो गाइडलाइन राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है उसी के तहत उनको कम से कम 10 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना है। अगले 3 दिन उनको डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि कोई अगर बुखार अगर नहीं होता है, कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं तो उनको भी रिलीज कर देंगे इन 3 और 4 डेज। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुल 58 जितना भी केसेस हमको इस जिला में आए हैं, तो टेक्निकल रूप से अगर बात करेंगे तकनीकी रूप से अभी 58 ठीक हो चुके हैं, 57 रिलीज हो चुके हैं, 1 अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो मैं जो भी कोविड वॉरियर के रूप में फ्रंट लाइन पे काम करने वाले सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, अदर हॉस्पिटल स्टाफ, पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस के सिपाही सभी कर्मीगण, सिविल प्रशासन के सभी कर्मीगण, पदाधिकारीगण, जो भी हमारे जो मजदूर भाई दूर से आए हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखने में हो, क्वारंटाइन सेंटर में उचित समुचित व्यवस्था रखना, स्वास्थ्य संबंधित जांच करना और सेंटर्स की सुरक्षा व्यवस्था करने में सभी पॉइंट से सभी पदाधिकारी काफ़ी मेहनत किए, काफ़ी हज़ारों की संख्या में हम लोगों का फोर्स और पुलिस और हमारे सिविल पदाधिकारी और हमारे डॉक्टर और नर्सेस काम किए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन ये जर्नी काफ़ी लंबा है। अभी हम लोगों को फिलहाल खुश हो सकते हैं कि 58 में सभी ठीक हो चुके हैं, परंतु भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अभी भी चालू है, दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, दूसरे देशों से भी देश में आए हुए हैं, तो इसीलिए कृपया सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने में हो या मास्क पहनने में हो, जो भी आवश्यक दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिया गया है लॉकडाउन के दौरान, उस सबका नियम का अनुपालन करते रहें। और भविष्य में भी जो हम लोग जो सर्वे जो किए हैं, डोर टू डोर सर्वे पूरे जिला में जो कराए हैं, उसके तहत जितने भी इन्फ्लुएंजा लाइक या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के साथ जो भी सिम्टम्स के साथ जो भी हम लोगों के जो ग्रामीण जन या शहर के जो रहने वाले व्यक्ति पाए गए हैं उनको भी हम लोग फेज़ वाइज उसको रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। जिला में 2 ट्रूनेट मशीन्स भी हम लोगों के पास अवेलेबल हैं, तो हम लोग जिला में ही करीब 60 से 70 टेस्ट हम लोग हर दिन करने के लिए सक्षम हैं। तो आने वाले दिनों में लगातार जितने भी सिम्टम्स के साथ हम लोगों के घर घर सर्वे में जो आए हैं उनके साथ साथ जो हाई रिस्क प्रोफाइल, जैसे हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर्स हुए, स्वास्थ्य कर्मी हुए, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मी जो फ्रंट लाइन में जो काम कर रहे हैं, उनको भी हम लोग रिस्क प्रोफाइल के आधार पर उनका भी टेस्ट करवाएंगे। इसमें कई सारे व्यक्तियों के पास सिम्टम्स नहीं रहेगा, परंतु उनके और उनके परिवार सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रोटोकॉल के हिसाब से हाई रिस्क परिवारों को भी हम लोग जांच करेंगे। ये मत समझा जाए कि कोरोना केसेस जिला में ख़त्म हुआ है तो कोरोना ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं समझा जाए। इस परिस्थिति में हम लोगों को और सतर्क रहना है ताकि और नए आउटब्रेक हम लोग कहीं देख ना पाए।